नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है ओबीडी का एप्लीकेशन फॉर ओल्ड हाउस, मतलब ऑयल बॉन्ड डिस्प टेम्पर जो पेंट है वो पुराने घर में कैसे लगाते हैं, इसका हम आज प्रैक्टिकल में डिटेल देखेंगे। ये एक 2 BHK फ्लैट है, उसका पेंटिंग से पहले का एक वॉक थ्रू है। इसमें से अभी देखें, हमें हॉल देख रहे हैं। ये हॉल, हॉल का कंडीशन देखिए, वॉल कैसा है, उसके साथ ही उसके साइड में नीचे में कैसे वो डैमेज हुआ है, पूरा इसमें आप देख सकते हैं। ये वॉक थ्रू में मतलब बिफोर पेंटिंग का है, टोटल एक बार आप देखेंगे। इसके बाद अभी किचन, किचन की वॉल्स कैसे है, और मेनली ये सब में जो नीचे का पोर्शन है दीवार का, वो बहुत ही डैमेज दिखा रहता है। आइदर वो लीकेज हो सकता है या फिर अदर प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं नीचे पूरा बहुत सारा डैमेज हुआ है। तो वो डैमेज होने की वजह से अभी ये पैसेज, पैसेज का ऊपर का जो पोर्शन है, ये पैसेज का ऊपर का पोर्शन बहुत ही डैमेज दिखता है। इसमें कुछ लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत सारा डैमेज हुआ है। तो अभी इसके बाद ये बाथरूम है, ये बाथरूम का भी देख सकते हैं आप, सीलिंग का पोर्शन थोड़ा डैमेज हुआ है। इसके बाद ये अंदर का मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम का भी छत पूरी तरह से ख़राब हुआ है, देख सकते हैं आप। उसमें मेनली लीकेज का ही ज़्यादातर इशू है, इसलिए उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है या फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। इसके बाद ये बाथरूम है, ये बाथरूम में भी दीवार का इतना ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लीकेज का इशू लगता है, इसलिए वो सारे इम्प्रेशंस। ये छत है, छत का भी आप देख सकते हैं। इस हिसाब से ये पूरा पेंटिंग करने से पहले का ऑब्जर्वेशन है, पूरा लीकेज का इशू मेनली ज़्यादा है, इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स का भी इशू है। तो ये दूसरा बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम का इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ नीचे के पोर्शन में थोड़ा डैमेज हुआ है। इसका भी रीज़न लीकेज या फिर मेनली लीकेज ही हो सकता है, क्योंकि वो इम्प्रेशन के से पता चलता है कि लीकेज का ही है। तो ये पूरा एक वॉक थ्रू रहा, अभी आगे हम देखेंगे। सबसे पहले जो बड़ा बेडरूम है, वो बड़ा बेडरूम है, उसका जो भी छत सीलिंग का पोर्शन है, उसमें लूज पोर्शन है, पूरा निकालना पड़ता है, उसमें पूरा लेयर्स वगैरह ऐसा है। तो ये लेयर्स हम पूरा निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा लेयर निकाल रहे हैं, जितना भी लूज पोर्शन है वो पूरा निकाल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज है अंदर के बेडरूम में। अभी हम ये जो भी अनइवननेस ये करने के लिए हम लोग पुट्टी तैयार करते हैं। ये पुट्टी कैसे तैयार करते हैं आप देख रहे हैं, इसमें एक पुट्टी आती है बिरला वगैरह करके, उसमें पानी मिला करके, और इसमें POP भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिलाते हैं। इस तरह से ये पुट्टी बनाती है। ये पुट्टी का मेन पर्पज़ जो अनइवननेस है या फिर जो भी वॉइड्स है, ये पूरा फिलअप करने के लिए है। दीवार में, सीलिंग में, जहाँ भी ये अनइवननेस है या फिर वॉइड्स है, ये पूरा फिलअप करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये दीवार में पुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि दीवार का वॉइडनेस निकल जाता है, जो भी अनड्यूलेशंस होता है वो निकल जाता है, एक प्लेन सरफेस आ जाता है, ताकि पेंटिंग उसके ऊपर अच्छा से आ सके। अभी ये पुट्टी अप्लाई करने के बाद में ये साइड का आप देख सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो डैमेज हुआ है उसको स्क्रैच करके कैसे निकालते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुट्टी एक साइड में हम निकालते जाते हैं, ये पूरा डैमेज पुट्टी लगाते जाते हैं, एक साइड से पूरा स्क्रैप हुआ पूरा भी लूज मटेरियल निकाल के पुट्टी अप्लाई करते हैं। और ये पुट्टी अप्लाई करने के बाद में थोड़ा वो पुट्टी को सूखने के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसके ऊपर पेंट नहीं कर सकते। वो पूरा इधर छत में आप देख सकते हैं, पूरा डैमेज पोर्शन निकाल के हम लोग इधर पुट्टी अप्लाई कर रहे हैं। ये पुट्टी पूरा डैमेज पोर्शन कवर कर लेगा, जितना भी वॉइड्स है वो भर लेगा, उसके बाद ही हम लोग पेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इधर साइड में देख रहे हैं, ये पुट्टी भरने के बाद में ये पूरा इधर जैसे कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर पेंट का प्राइमर फर्स्ट कोट हम लोग अप्लाई करते समय देख रहे हैं। ये पुट्टी सूखने के बाद में एक ध्यान में रखें, पुट्टी सूखने के बाद में ही ये फर्स्ट कोट अप्लाई करना है। ये फर्स्ट कोट जैसे पूरा ब्रश से या फिर रोलिंग का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे पूरा पेंट अप्लाई करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पुट्टी सूखना चाहिए। सूखने के बाद उस दिन नेक्स्ट डे आप फर्स्ट कोट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट कोट पूरा अप्लाई कर रहे हैं, पूरा ब्रश से वो रोलिंग से पूरा कवर कर रहे हैं,
तो ये ओबीडी करते समय ओबीडी का कैसे कलर वो दीवार को मैच करने के लिए उसमें से अभी प्लेन कलर आता है उसमें कुछ पिगमेंट डाल देते हैं, जैसे वायलेट वगैरह हो गया तो वायलेट कलर का एक पिगमेंट डाल करके उसके हिसाब से कलर मैच करते हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरा सीलिंग को कैसे पेंटिंग क्लियर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये पेंटिंग करते समय ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कोट होने के बाद में भी कुछ देर हम लोगों को रुकना पड़ता है, सेकंड कोट इमीडिएटली अप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट कोट होने के बाद पूरा ड्राई होना चाहिए, ड्राई होने के बाद ही हम सेकंड कोट अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये पेंटिंग का प्रोसेस कैसा चल रहा है। हालांकि ये जो घर है ये 8-9 साल पुराना ही है, बट मे बी उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या फिर लीकेजेस का इश्यू हो इसलिए इसका अंदर से इतना डैमेज हो। ये अभी इसमें ज़्यादातर वॉइड्स क्यों आए हैं, क्या इसमें भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या फिर वो RCC का जब स्लैब वगैरह था उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है या फिर मेनली लीकेज, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो ऑयल बॉन्ड डिस्टेंपर है ये पुराने घर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पूरा पुट्टी अप्लाई करके उसको डेकोरेटिव भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, तो और जल्दी भी होता है और ईजीली मार्केट में ईजीली अवेलेबल है और ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। जैसे ओल्ड हाउस को रिनोवेट करना है वैसे पुराने घर कोई रिनोवेट करना है तो उसको जनरली OBD ही प्रेफर करते हैं, तो OBD पेंट करते हैं। ये जनरली 2 BHK फ्लैट है तो बट 3 दिन का काम है, 2 या 3 दिन में ये काम पूरा हो सकता है। जैसे पुट्टी वगैरह भरना है उसके बाद में फर्स्ट कोट अप्लाई करना है और उसके बाद में सेकंड कोट अप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से ये पूरा पेंटिंग होता है। अभी आप देख सकते हैं ये पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद का एक वॉक थ्रू है, ये हॉल है। अभी हमने पहले देखा है कैसा है घर था, अभी होने के बाद पेंटिंग होने के बाद भी कैसा है उसका एक वॉक थ्रू। ये हॉल है, इसके बाद ये अंदर में किचन है, आपको उसका फर्क इमीडिएटली पता चलता है। ये किचन आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार एकदम ऐसे कैसे चमक रहा है, उसके हिसाब से पेंटिंग का 2 कोट होने के बाद में कितना डिफरेंस आता है। ये छत जो बहुत ही गंदा डैमेज हुआ था वो भी अभी एकदम अच्छा दिख रहा है, उसका लुक एकदम अच्छा हुआ है। तो OBD इसे डेकोरेटिव और इकोनॉमिकल है इसलिए ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। ये अंदर का बेडरूम का है उसका भी ये कलर एकदम ये अच्छा दिख रहा है, और ये मेन बेडरूम का जैसे ज़्यादातर डैमेज था जिसमें ज़्यादातर सीलिंग का वगैरह इशू था उसका भी वो भी एकदम अच्छा हो। इस हिसाब से हमने देखा ये पूरा OBD का ओल्ड हाउस को पेंटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।